अगर अपनी बीवी ज्यादा सवालात करे तो मर्द को फौरन गुस्सा आ जाता है, मगर किसी दूसरे की बीवी कई घंटे तक आपसे कुछ पूछती रहे तो इलम और तहकीक के दरिया बहते रहते हैं। पता नहीं वो कौन से दोस्त होते हैं जो इकट्ठे शॉपिंग और ट्रिप पे जाते हैं। यहाँ तो किसी के अब्बू नहीं मान रहे और किसी के पास पैसे नहीं हैं। एक दिन मैं किचन में गया और अम्मी से बोला के अम्मी ये टिंडे क्यों पकाए हैं। अम्मी ये नखरे अपनी बीवी को दिखाना। अगले दिन बीवी किचन में खाना पका रही थी। मैं गया और पूछा बेगम ये टिंडे क्यों पकाए हैं। बीवी अरे ये नखरे अपनी माँ को दिखाना। हद है यार। एक पते की बात बताता हूँ। किसी के पीछे बात करने से बेहतर है कि आप उसके सामने खड़े होकर बात करें, लेकिन फासले का खास ख्याल रखें ताकि आपकी आवाज उस तक ना पहुंच सके। कभी कभी तन्हा रहना ही बेहतर होता है, खास तौर पर जब आपके पास खाने के लिए कुछ हो। काम वाली काम के लिए आई तो देखा कि मालकिन बैठी जारो कतार रो रही है। काम वाली मालकिन क्या हुआ। मालकिन तुम्हारे साहब का पता चला है कि उनका पड़ोसन वाली जमीला से चक्कर है। काम वाली चिल्लाते हुए नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता साहब, मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकते।